आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि गांव में शौच कैसे करते हैं, यानी शौच करने का क्रैश कोर्स। शौच करने का क्रैश कोर्स क्या बोला तूने? हाँ, इसके बिना तो हमारी लाइफ चलती नहीं। हगने का क्रैश कोर्स सिखा दिया आपने, बहुत अच्छी बात करी आपने। इससे पहले तो खेतों में कोई हगता नहीं होगा, सिलेबस में भी अब आपकी क्रैश कोर्स को ज्वाइन करवाना पड़ेगा। सही बात है, और बच्चे को पैदा होने से पहले माँ के पेट में आपका हगने का क्रैश कोर्स सीख के आना पड़ेगा, नहीं तो फिर पैदा होने का फायदा ही क्या है। जनरली पहले ब्लॉगिंग होती थी, ट्रैवलिंग की, पार्टी की, फैशन की, लेकिन आजकल ये डेली ब्लॉगर का अलग ही बुखार चढ़ा है लोगों। आपको हर दूसरे घर में एक ब्लॉगर मिल जाएगा, मोबाइल है और सेल्फी कैमरा है, वो सब ब्लॉगर बनना चाहते हैं क्योंकि मेहनत तो लगती नहीं है। मुंह उठाया, कैमरा खोला, शुरू हो गए। ये डेली ब्लॉगर ब्लॉगिंग के नाम पर हमें अपनी लाइफ का नंग बना दिखाते हैं सिर्फ और सिर्फ। ये तो मैंने ब्लर कर दिया, वरना इस बेचारे की तो इज्जत भी फाड़ दी थी। अबे त्योहारे त्योहारों की तरह मनाओ ना, और मना भी रहो तो शूट भी कर लिया भूल से, तो इसे एडिट तो कर देते कम से कम। उस छोटे बच्चे की भी कुछ इज्जत है। अबे तुम साइकिल में पहना के नंगा करके उसे पूरे गांव में घुमा रहे हो, कल को भी स्कूल जाएगा तो किस मुंह को लेके जाएगा? उसके तो तुमने सारे पार्ट दिखा दिए। मैं सच बता रहा हूँ, ये डेली ब्लॉगर उन न्यूज रिपोर्टर की तरह हो गए हैं जो कि मरते हुए आदमी से पूछते हैं आपको मरते हुए कैसा लग रहा है। एक बार खा सकते हो, बट आप बीच में मीठा खा सकते हो, कुछ भी पी सकते हो। और मैंने ब्रेकफास्ट में मंगाया था ये माचा। वो अपने बाप के श्राद्ध की नहीं पड़ी है, उसको आज हम क्या खाएंगे इसकी पड़ी है। अरे इसकी भी पड़ी है, कम से कम इसको सूट तो नहीं करते, ब्लॉगिंग तो मत बनाती दीदी, इसको बंद कर लेती कैमरा को एक दिन तो कम से कम। बाप के श्राद्ध से थोड़ी ना पड़ा है तेरा ब्लॉगिंग, बता रहा हूँ। अंकल जी अगर ऊपर से देख रहे होंगे ना, दोबारा वहीं से मर के और ऊपर चले जाएंगे। आजकल लोगों की बीमारी ब्लॉगिंग बना के ठीक हो रही है। आजकल ये डेली ब्लॉगर उन कामों को भी ऐसे बताते हैं जो छुपाए जाते थे, जैसे कोई वर्ल्ड कप जीत के लाए हूँ। आई एट टू मच 20 टाइम्स लूज मोशन अबाउट टू हॉस्पिटलाइज। वाह, लूज मोशन हो गया बैक इन मुंबई, लूज मोशन हो गया। अरे लूज मोशन हो रहा था तो ब्लॉग क्यों बना रही हो दीदी? लूज मोशन में कबोर्ड पे जाके बैठो ना, तो गई यार। शादी में दूल्हे को हुआ लूज मोशन, आज इसकी स्वागरात नहीं बनेगी, आज इसकी लूज मोशन रात बनेगी पक्का। पहले हम टीवी के डेली शॉप से परेशान थे, आज हम डेली ब्लॉगर थे। आजकल बड़े से बड़े फैसले ये ब्लॉगर। मैं किसी की कसम नहीं मानूंगी अब, आप कुछ नहीं करोगे, आपकी बच्ची को है। मेरे पास क्या है? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है ना, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है ना, आपके पास तो चीकू है। मैं नहीं आऊंगी, बिल्कुल नहीं आऊंगी। एबीसी के ऑडियंस पोल खेल के लिए जा रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए। तो आप सब मेरे बड़े हो, आप सब मुझे बता सकते हो कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ये वाला ब्लॉग मैं अभी अपलोड कर रही हूँ, अभी बज रहे हैं 4:52 हो रहे हैं, देख सकते हो आप। और मेरे पास इनकी सारी आइडिया खुली हुई है, फैमिली फिटनेस भी है, तो मैं ये ब्लॉग अभी अपलोड कर रही हूँ। और प्लीज मुझे समझाइए कि मुझे क्या करना चाहिए, वापस घर जाना चाहिए। अरे दीदी कैमरा तो बंद कर लेती, आजकल कुछ करके अपना ठगपना मिटाने को भी ब्लॉगिंग नाम देते हैं। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। अरे बुढ़े अपनी उम्र तो देखता तू, वो बचपन की मुझे सब हाथ तक करूं प्यारो। अबे 90s के बिग ग्रेट फिल्मों की इमरान हाशमी, अबे वो तेरी ही बीबी है यूट्यूब पे क्या कर रहा है तू? फोन इंडस्ट्री में क्यों नहीं भर्ती हो जाता? जब ये ठरकी लोगों का ठरकपना मोबाइल के एक्स वीडियो से नहीं भरा तो ये लाइव शो देखने जानवरों का आ गए। अबे यार उसने तो जानवर को तो छोड़ दो कम से कम, कम से कम वो वीडियो तो नहीं बना रहे तुम्हारी तरह, ब्लॉगिंग तो नहीं कर रहे हैं, अपने एंजॉय कर रहे हैं। साले तुम तो ठरकी, साले घर में भी ब्लॉगिंग के नाम पे तुम ठरकपना दिखाते रहते हो। अभी तो रुको रुको, अभी पिक्चर बाकी है। आजकल बच्चे भी इन सबसे पीछे नहीं है,
ये देखो वीडियो। हे गाइस कैसे हो आप सब। चलो आज सब लोग शुरू करते हैं। मम्मी ने मुझे चाटा मारा।